फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हम लोग क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन ले लिया है तो ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करेंगे आज के वीडियो में क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप इसका लोन किसी भी कारण से रिपेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपके साथ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्या आप पे केस हो सकता है या आपको लोन इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोग को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता होगा आप लोग के माइंड में कि क्या ये एप्लीकेशन लीगल एप्लीकेशन है। तो जी हाँ दोस्तों, NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। साथ में ही आपको यहाँ पर आप जब भी जाते तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ अपना वेरीफाई करना पड़ता है। और साथ में ये एप्लीकेशन आपको सिविल में भी रिपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। तो 110% ये रियल एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या ये एप्लीकेशन वाले अपने एजेंट घर पे भेजते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग का लोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 25-30 हज़ार या उससे ज़्यादा अमाउंट है, तो 50% चांसेस है कि आपके घर तक जो एजेंट है वो आएंगे ही आएंगे। और एजेंट आकर फिर आपके घर पर क्या करेंगे? तो एजेंट आके घर पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका इतना लोन ड्यू है और इतने महीने से ड्यू है, उसका लोन का पेमेंट कर दीजिए। बस यही जानकारी वहाँ पर भी आपको आके दी जाएगी। इसके अलावा वो एजेंट भी आपके घर आके कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिस पर लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या एक नोटिस आता है, वो नोटिस क्या लीगल है? तो जी हाँ दोस्तों, वो नोटिस जो होता है वो एप्लीकेशन वाले आप लोग को सेंड करते हैं ताकि आप लोग डर जाए और डर के आपको अपना पेमेंट कर दें। उसमें भी आपको बस रिमाइंडर दिया जाता है कि आपका जो पेमेंट है वो इतना दिन से ड्यू है और उसका पेमेंट नहीं करने पर आप पे कार्रवाई की जाएगी, कुछ ऐसा उसमें लिखा रहता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको डेली कॉल आएंगे, कॉल करके आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का एसएस दे देते हैं जब भी आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो ये एप्लीकेशन वाले फिर आपके कॉन्टैक्ट पे भी कॉल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके कॉन्टैक्ट वालों पे भी कॉल जाना स्टार्ट हो जाते हैं और उन लोग पे भी मैसेज किया जाता है कि इस आदमी का इतना रिपेमेंट करना है और उसको वो टाइम पर नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ मैसेज वहाँ पर भी भेजा जाता है। तो इन सब बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। बाकी अगर बात करेंगे फाइनली आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फिर और आपके साथ नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, आपका लॉन्ग टर्म में जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा और जिस सिविल स्कोर की वजह से आपको लोन मिला है वो आगे चल के कोई भी लोन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बस और बस यही आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा और आपके साथ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है और अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आपके ऊपर ना तो कभी कोई केस होगा, ना ही आपको उसका लोन पेमेंट करने पर कोई भी दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर में। तो इस बात का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो लोन हेल्प इंडिया की तरफ से आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 8780082240। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी इंक्वायरी वो सब पता कर सकते हैं, लेकिन ये पेड होंगे। यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ का चार्जेस भी पे करना पड़ सकता है एज अ सर्विस चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। किसी भी सपोर्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में।